त्योंथर के रहने वाले सराफा व्यापारी जिनकी चिल्ला में दुकान थी, दुकान बंद करके शाम को लगभग 6:30 बजे लौट रहे थे। उसी दौरान राजापुर पुल के पास उनको अज्ञात बदमाशों ने पहले गोली मारी, उसके बाद जो भी ज्वेलरी उनके पास थी लेकर मौके से फरार हो गए। माना जा रहा है ये काफी बड़ी लूट है। रीवा जिले के त्योंथर वार्ड 1 के रहने वाले सराफा व्यापारी को राजापुर पुल के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सुहागी थाना क्षेत्र का चिल्ला राजापुर इस समय बना लूट का अड्डा। इस जगह पर विगत कुछ समय से कई लूटें हुई हैं। व्यापारी की चिल्ला में सराफा की दुकान थी। घटना लगभग बीती शाम 6 से 6:30 के बीच बताई जा रही है। व्यापारी अपनी दुकान बंद करके अपने साथ सोने चांदी के ज्वेलरी लेकर जब वापस अपने घर त्योंथर वार्ड 1 की ओर लौट रहा था, उसी दौरान पुल के ऊपर व्यापारी पर गोली चली। अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मारी, उसके बाद उसकी सारी ज्वेलरी लूटकर भाग गए। माना जा रहा है व्यापारी के पास काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी तादाद में सोनी चांदी के गहने थे। वो बदमाश लूटकर फरार हो गए हैं। व्यापारी सराफा दुकान बंद कर चिल्ला से लौट रहे थे त्योंथर की ओर। त्योंथर निवासी दशरथ सोनी, जो यहीं के वार्ड 1 के निवासी हैं, को पुल पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर लूट को दिया अंजाम। लूट लाखों की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, वह कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल व्यापारी दशरथ, जिनको गोली लगी थी, इलाज के लिए त्योंथर अस्पताल लाया गया। फिलहाल उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है राजापुर पुल में सराफा व्यापारियों के साथ लूट की कई वारदातें हुई हैं। माना जा रहा है, कुछ लोग ये बता रहे हैं, इसके पहले भी यहाँ पर 3 से 4 लूट की वारदातें हो चुकी हैं, जिनको लेकर आज तक पुलिस एक भी लूट का पता नहीं लगा पाई है। माना जा रहा है राजापुर पुल के ऊपर जितनी भी लूट हुई हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। यहाँ पर पहले भी काफ़ी लूट हुई, सुनसान इलाका है। बदमाशों ने इस जगह पर एकत्र होकर पिछले कई लूटों को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अभी तक एक भी लूट का पता नहीं लगा पाई है। हमने पूरे मामले को लेकर त्योंथर पुलिस से बातचीत की, जानने समझने की कोशिश की व्यापारी के साथ क्या हुआ। पुलिस का साफ तौर से कहना है, घटना लगभग 6 से 6:30 के बीच बताई जा रही है, जब चिल्ला में सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद कर अपने साथ गहने लेकर वापस अपने घर त्योंथर वार्ड 1 की ओर लौट रहा था। जब वह राजापुर पुल के ऊपर पहुंचा, उसी दौरान बदमाशों ने पहले उसके ऊपर फायर किया। व्यापारी जब नीचे गिर गया तो व्यापारी के पास से जो भी ज्वेलरी थी लूट कर बदमाश मौके से 9:00-2:11 हो गए। सुनिए पुलिस क्या कुछ कह रही है। ये सर, आज लगभग 6 बजे सराफा व्यापारी के साथ त्योंथर के राजापुर पुल पे लूट हुई है, जिसमें लाखों की लूट हुई है और व्यापारी को गोली मारा गया है। क्या है पूरा मामला? इसमें दशरथ प्रसाद सोनी है, जो त्योंथर वार्ड नंबर 1 का निवासी है, जो चिल्ला बाजार में अपने सोने चांदी की दुकान की है। रोज की तरह शाम को 6 बजे अपनी दुकान बंद करके सोने चांदी के जेवरात अपने पिट्ठू बैग में रखकर मोटरसाइकिल से अकेले घर लौट रहा था। और शाम को 6:15 बजे जैसे ही राजापुर पुल के ऊपर पहुंचा, तो 3 अज्ञात बदमाश इसके पीछे से मोटरसाइकिल से आए और बराबरी में आकर एक बदमाश ने फायर करके इसके टांग में चोट पहुँचाई, जिससे गिर गया मौके पर और इसका पिट्ठू बैग जेवर सहित लेके बदमाश भाग गए चिल्ला। लगभग कितने लाख की लूट हुई होगी? ये तो अभी कह नहीं सकते, बता रहा है वो, सोने चांदी की जेवरात उसमें दुकान की थी। सर, पूर्व में भी लगभग 3 से 4 साल के अंतराल के बीच में लगभग 4 लूटें हुई है, जिसका आज तक पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया जा सका है। वो भी लगभग 15 से 20 लाख की लूटें हुई, तो उस पर क्या कहना है? तो उसमें लगी हुई है पुलिस, सभी बदमाशों को चिन्हित करके पुलिस पूछताछ में लगी हुई। तो सब 4 साल से क्या कर रही थी? 4 साल से भी लगी हुई है, गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। सर क्यों? जैसे ही कोई क्लू मिलता है तो पुलिस आगे, पुलिस उसी में ढूंढ रही है अज्ञात बदमाशों के संबंध में। संभावना कब तक बनी? 4 साल तो बीत गया, क्लू कब तक मिल सकता है?